तो दोस्तों इस साल ईरान की तरफ से भारत को बहुत ही बड़े बड़े ऑफर मिले हैं, जिसमें ईरान का भारत से कहना था कि आप रशिया के साथ कच्चे तेल की खरीदी तो कर ही रहे हो, तो हमसे क्यों ना कच्चे तेल की डील कर लो, हम आपको रशिया से भी ज़्यादा कच्चे तेल पर डिस्काउंट देंगे, साथ में आपके रुपए के अंदर भी आपको कच्चा तेल देने को तैयार हैं, बस आप हमसे एक बार कच्चा तेल खरीद लो। पर भारत ने ईरान के इन ऑफर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करता है उसको अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। जबकि भारत इस समय रशिया से रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर कच्चा तेल खरीद रहा है, परंतु अमेरिका की तरफ से भारत को इस कच्चे तेल की खरीदी को लेकर अब तक किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों से पनिश नहीं किया गया है। परंतु भारत का रशिया से कच्चा तेल खरीदना आज भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय कंपनियों के ज्यादा से ज्यादा रूसी कच्चे तेल को खरीदने से चीनी कंपनियां अब मैदान छोड़कर भाग रही हैं, और जो चीन की कंपनियां हैं वो रूस को छोड़कर ईरान के साथ कच्चे तेल की डील कर रही हैं, जिसके ऊपर आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि ईरान से चाइना का कच्चे तेल का इम्पोर्ट 6-7 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और चाइना अगस्त में हर दिन करीब 15 लाख बैरल कच्चा तेल ईरान से इंपोर्ट कर रहा है। और यहां पर साफ है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की चाइना ने धज्जियां उड़ा दी हैं, और चीन के इस कदम को लेकर अमेरिका जरूर चाइना के ऊपर कोई बड़े प्रतिबंध लगाएगा, पर इससे भारत को एक बड़ा फायदा यह मिलेगा कि रूस के कच्चे तेल के ऊपर भारत का बिल्कुल एकाधिकार हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां धीरे धीरे करके रूसी कच्चे तेल की खरीदी में चीनी कंपनियों को खदेड़ रही हैं, जिससे भारत और रूस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी। वैसे अब आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय हो, और क्या भारत को ईरान के साथ भी कच्चे तेल की डील करनी चाहिए या फिर अभी रशिया से ही सस्ता कच्चा तेल लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।